नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं द्वारका विधानसभा। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त मौजूद हैं किशन गोदारा जी। किशन जी, सर आपका मेरा स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। नमस्कार सर। राजनीति तो काफ़ी आपकी पुरानी रही, अब जैसे 1.5 साल 4 साल MCD के सर बीत चुके हैं, आप जाते हैं जनता के बीच, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता का क्या रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए जितेंद्र जी, MCD में भाजपा की सरकार है और MCD में अपने लेवल पे उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। जी, काफ़ी रुकावटें इसमें रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बजट नहीं दिया गया, अभी 13,000 करोड़ रुपए बकाया जो इनका MCD का बनता था वो नहीं दिया इन्होंने। जी, तो कोरोना काल के बावजूद MCD ने इतना बेहतरीन काम किया है दिल्ली में कि उसका कोई जवाब नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा भी है कि भाई दिल्ली MCD बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर केजरीवाल साहब बजट देते पूरा तो और अच्छे से काम कर पाते, जबकि हमारे ये जो कर्मचारी MCD में मलेरिया के हैं या हॉर्टिकल्चर के हैं या अन्य डिपार्टमेंट्स के, हेल्थ के हैं, सभी कोरोना काल में लगातार सैनिटाइजेशन का, सफाई का और चेकअप का, दवाइयों का, हर तरह का उन्होंने ख्याल रखा है। लगातार उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरा क्षेत्र में डटे रहे, काम करते रहे। किशन जी, आप एक द्वारका विधानसभा से मंगलापुरी के आप रहने वाले हैं, आप यहाँ से पूर्व पार्षद कब चुनाव लड़ चुके हैं, तो यहाँ के आप हालात से काफ़ी वाकिफ हैं, आप यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्याएं बनी हुई हैं, यहाँ की जो जनता है किन किन समस्याओं से जूझ रही है वर्तमान में? हमारे इस विधानसभा में बेसिकली पानी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी नहीं आता है, आता है वहाँ पर सीवर का गंदा सप्लाई का पानी आता है। यस सर, सीवर की समस्या बड़ी समस्या है। जल बोर्ड के पास सीवर है लेकिन आम पब्लिक ये सोचती है कि ये सीवर का काम MCD का है, जबकि जल बोर्ड के कर्मचारी और जल बोर्ड के जो अधिकारी और दिल्ली सरकार सीवर को लेके बिल्कुल गंभीर नहीं है। गलियों में सीवर रुके पड़े रहते हैं और उनकी सफाई नहीं हो पाती है। जी सर। और पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी सड़क दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, काम नहीं हो रहे हैं, स्कूलों की वही खस्ता हालतें हैं। दिखाने के लिए, ऐड के लिए दिखा देते हैं ये, लेकिन काम कहीं भी नहीं है। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में अभी जो कल की हाई लेवल मीटिंग हुई है बंगाल चुनाव को लेकर, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बंगाल में भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने लगभग 18 सीटें जीती थी और अब विधानसभा में भी 200 प्लस सीटें आएंगी। वहाँ पर ममता बनर्जी का जो कुशासन है जी सर, और तानाशाही और गुंडागर्दी और जिस तरह से वहाँ पर बांग्लादेशियों को उन्होंने बुला बुला के वहाँ पर बसा रखा है, वहाँ की जो आम जनता है बांग्लादेश की, उन लोगों से परेशान है आम जनता। और जो ममता बनर्जी का जो वहाँ पर काम चल रहा है, जैसे किसानों को वहाँ पर जो योजनाएं मोदी सरकार ने लागू करी थी, वो योजनाएं वहाँ पर किसानों को नहीं मिल पाया लाभ उनको, और बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ पर हेल्थ की है जैसे, वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। आयुष्मान योजना है, कई तरह की योजनाएँ हैं। तो ममता बनर्जी अपने आप को पता नहीं क्या है उसका, जो है ना, आम पब्लिक में उसका बिल्कुल गिरता जा रहा है ग्राफ। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से वहाँ की जनता चाह रही है, वहाँ पूरी तरह से उम्मीद लगाए बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हो रही है वहाँ पर, अमित शाह जी जाते हैं, नड्डा जी जाते हैं या मोदी जी जाते हैं या कोई भी बड़े नेता जब जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा एक जनसमूह वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ममता बनर्जी के सरकारी तंत्र रोकने के बावजूद वहाँ पर जनता खूब आती है। तो सर, क्या एजेंडे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? बंगाल का विकास, जो अभी तक बंगाल पिछड़ता जा रहा था, पहले वामपंथियों की सरकार थी उसमें पिछड़ता जा रहा था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सारी लगातार भगा दी उन्होंने वामपंथियों ने, और मारुति या जो टाटा की जो बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर कोई भी नहीं लगी थी तो वो भगा दिया गया। तो विकास जो होना था बंगाल का, वो विकास नहीं हो पाया। बंगाल का जो इंसान है बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान था, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी वहाँ पर महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं, स्वामी विवेकानंद
तो बंगाल का जो विकास भाजपा करना चाहती है जी जी। उसको भारत देश की पूरी मुख्य धारा से जोड़ के उसको आगे बढ़ाना चाहती है। सर, किसानों को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार किसान आंदोलन जो जारी था, अब क्या लगता है आज के हालात को देखते हुए किसान आंदोलन पर बात करें तो? किसान आंदोलन सही मायने में देखा जाए तो ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष का, कांग्रेस का या वामपंथियों का या कुछ अराजक तत्व, खालिस्तानी वगैरह जो इस तरह के लोग उसमें घुसे हुए, नक्सली या आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो उन लोगों का सामूहिक रूप से इन्होंने बैनर किसानों का ले रखा है, लेकिन है इनका आंदोलन। अच्छा, किसान इसमें नहीं है, किसान नहीं है। और अगर बात करी जाए, ये लोग कहते हैं कि भाई इन तीनों कानूनों को रद्द करो, पहले से समाप्त करो, तब बात करेंगे। लगातार सरकार ने 12 बार बात करी है इन्होंने बैठ के, भाई कोई भी अमेंडमेंट हम आप कहोगे कर लेंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट को तैयार नहीं होते। ये कह रहे हैं कि ये काले कानून क्या है वो पता नहीं, इनको रद्द करो। अब रद्द करने की बात है, मान लो एक कानून है, आप अगर किसी अपनी ज़मीन को किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देना चाहता तो मत दो। सरकार ने ये कोई लिखा नहीं है कि उसमें आपको अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट में देनी ही पड़ेगी जी, आप अगर चाहो तो मत दो। दूसरा, अगर आप मंडी में ले जाना चाहो तो मंडी में ले जा सकते हो अपना अनाज, नहीं ले जाना चाहो बाहर बेचना चाहो बाहर बेच सकते हो, किसी और मंडी में ले जाना चाहो दूर आसपास कहीं भी ले जा सकते हो, ये भी कानून में है। MSP का बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है कि MSP लागू है, लगातार चल भी रहा है, अभी भी MSP घोषणा करी सरकार ने, रेट्स बढ़ा के घोषणा करी है, लगातार उस पर खरीद हो रही है। तो कानून को जो अगर इसको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई वो नहीं है, इसमें कोई भाई बाध्य नहीं है कि भाई आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी ज़मीन दोगे या मंडी में नहीं ले जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मंडी ख़त्म कर देंगे, मंडियों का ही विकास कर रही है सरकार, तो ऐसा इस कानून में कहीं भी किसानों के अहित में नहीं है। किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए इन लोगों ने एक जो है ना ये फैला रखा है पूरे देश भर में कि भाई ये गलत है कानून, ये किसानों के हित में नहीं है, जबकि पहली बार ऐसा सरकार आई है मोदी जी की सरकार जिसने किसानों को 6,000 रुपये साल के हर किसान के खाते में डलवाए हैं। आज तक इन्होंने जो वायदे किए, कांग्रेस ने वायदे किए, आम आदमी पार्टी ने वायदे किए या कम्युनिस्टों की तो कोई सरकार ही नहीं रही, इन्होंने कोई केरल में है वहाँ भी इन्होंने कोई काम नहीं किया किसानों के लिए, लेकिन इन्होंने कोई भी वायदा सरकारों ने, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ़ करने का वायदा राहुल गांधी ने कहा था लेकिन आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अगर किसानों की हालत देखो, दिल्ली के किसानों को बिजली का बंद मीटर का भी, ट्यूबवेल बंद है उसका भी बिजली का बिल भरना पड़ता है 500, 600, 700 रुपये महीने का, जबकि उसका 12 महीने में मुश्किल से 2 या 3 महीने ही बिजली यूज़ होती है, कि 8-9 महीने उसको फालतू में भरना पड़ता है। जो केंद्र की योजनाएं हैं किसानों की, वो योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं होती। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इनको कृषि का दर्जा ही नहीं दे रखा। तो यहाँ पर जो दिल्ली के जो किसान हैं, केजरीवाल साहब उनको तो संभाल नहीं पाते हैं, और बात करते हैं कि भाई पूरे देश के किसानों के लिए, लेकिन ये दोगली राजनीति है, दोहरापन है, ये सिर्फ वोट के लिए बरगला रहे हैं, किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन सही मायने में किसान भी समझता है, वो किसान आज भी जानता है कि मोदी जी ने उनके लिए कितना काम किया है और काम कर रहे हैं। बहुत सा ऐसा एरिया था जहाँ पर पानी नहीं होता था, वहाँ मोदी जी ने पानी पहुँचाया किसानों के लिए, खेती की उपजाऊ ज़मीन बनाने के लिए, उनके लिए खाद के रेट कम किए, बीज के रेट कम किए, सब्सिडीज़ दी, इंश्योरेंस जो उनके बीमा पॉलिसी, किसान बीमा पॉलिसी वो लागू करी, और लगातार किसानों का जो रेट दोगुना करने के लिए फसल का, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो किसान भी मुख्य धारा में आकर, जो पहले कर्जा होता था या आत्महत्या कर लेते थे किसान, वो सारी बंद हो जाएंगी, वो किसान भी इस द्वारा में आ जाएगा। धन्यवाद सर आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात किशन गोदारा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।